वो मेरा एक भांजा है उसने ना डीएनए टेस्ट करा लिया मैंने कहा बेवकूफ तुम भी उल्लू हो तुमने डीएनए टेस्ट करा लिया अब तुम्हारा डीएनए प्रिंट वो रखेंगे और कल -कलां को वो बेचेंगे और तुम्हारे डीएनए के ऊपर करेंगे तजुर्बा ठीक है एंड आपको है इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एक जमाना कहा जाता था कि हॉटेस्ट मार्केट इन वर्ल्ड इज ऑयल ठीक है ब्लैक गोल्ड बट आज कल डाटा इज डेटा जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में और मेरे जैसा बंदा डेटा कहता है डेटा कंप्यूटर डेटा जो है एंड योर पर्सनल बायो डेटा जो है हमारा बायोलॉजिकल डेटा जो है दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन इन द वर्ल्ड ठीक तो वो कहने लगा जी हालांकि पाकिस्तान में जमया पहले कहना जी हमारा ना टर्किश मेरे में है वो मैंने कहा बच्चा टर्किश होगा जो भी तू कहले पर है तो तू उसी माँ का बेटा जिसका तू बेटा है पाकिस्तान जिंदाबाद एंड पाकिस्तान पिहदाबाद आई ऑलवेज से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी कमाल के दिमाग कमाल के दिमाग है इस मुल्क में एंड अफकोर्स आई एम ऑलवेज़ प्राउडर्स ऑल माई इंजीनियर्स एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड सर्विंग ह्यूमिटी और वो रेकगनीशन बनते हैं इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के मैं अक्सर औकात दुख महसूस करती हूँ अगर मैं किसी को बगर देखती हूँ शलवार कमीज में या हिजाब में देर आर पीपल जो अपना भेस बदल के भी हो क्योंकि आपको यह रेफ्यूजीज़ में बहुत से लोग अफ़गानिस्तान से आए सीरिया से आए तो मुझे बड़ा दुख होता है कि अल्लाह ताला कैसे इनको इतना सफिशेंट कर दिया जाए कि ये किसी के आगे हाथ ना फैलाएं पाकिस्तान के उन लोगों को जिनको देखती हूँ जिसमें डॉक्टर नवीद का मैं जिक्र करती हूँ विलियम ओस्तर के प्रेसिडेंट रहे अरसे तक ऑल इस वक्त मैं डॉक्टर राशिद जो जिना एवॉर्ड्स भी दे रहे हैं मैं उनका जिक्र करती हूँ बेशुमार डॉक्टर जोलफ़िकार भुट्टा

67% youth have happened and our future is in the, in the hands of youth. Coming back to my subject, I have a wonderful guest here, and of course, my young boys and girls, Jinke mein mera future hai. I love them all and I wish them success. But those who pay price, who work hard, they always succeed. ब्रैमटन का जब मैं जिक्र किया करती हूँ तो मैं ये कहा करती हूँ कि द क्रेडिट गोज़ टू माई मेयर पैट्रिक ब्राउन बेशुमार लोग इस वक्त रेस में आए हैं और मैं आपसे कहती हूँ खुदा का वास्तव पच्चीस दफ़ा सोचना अपनी ज़ात को अपने रंग को सिर्फ वोट ना देना वरना आप यकीन कीजिएगा वही आलम होना है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हुआ और जो इंडिया की पॉलिटिक्स का हुआ आई रिक्वेस्ट लेट दिस कंट्री बी दिस कंट्री पैट्रिक ब्राउन ने ब्रैमटन को बहुत कुछ दिया जिसमें ऑफ कोर्स पैट्रिक ब्राउन ने भी दिया और ऑन्टेरियो ने भी दिया ऑन्टेरियो ने जब दिया तो हाईवे 413 फोर वन थ्री बनने जा रही जो कि ब्रैमटन के, के नॉर्थ को साउथ की तरफ में लाएगी और शेलबोन की तरफ आपको बताया आबादी डंडाक की तरफ आबादी कितनी बढ़ गई है जब सड़क पे ट्रैफिक के बीच में गाड़ियाँ फंसती हैं तो उस वक़्त भी तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है ना हाईवे होगी तो कम से कम लोगों में फ्रस्टेशन कम होगी वैसे ही कोविड ने मेंटल इलनेस इतनी बढ़ा दी है तो कम से कम ट्रैफिक फ्रस्ट्रेशन से तो हम निकलेंगे ना तो नंबर वन फोर वन थ्री नंबर टू तालीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपर कैनेडा कॉलेज इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज उसका एक कैंपस ब्रैम्पटन में बवेट एंड मिसागर सागर रोड के पास uh, ये कैंपस की उन्होंने पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन ली हुई है एंड डेफिनेटली अपर कैनेडा कॉलेज की ब्रांच इस जगह पर आनी आनी है दैट इज़ थ्रेश होल्ड ऑफ ऑरेंज वेल एंड ब्रैम्पटन का थ्रेश है नंबर थ्री ब्रैमटन में अपॉर्चुनिटीज़ uh, हैं गाड़ियों के पार्ट्स का है नंबर चार ब्रैमटन में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट गोज़ टू आर मेयर पैट्रिक ब्राउन नंबर पाँच ब्रैमटन में मेडिकल कॉलेज आ रहा है आप देखिए मारखम वाले बड़ा फ़खर करते हैं मारखम इज़ द ग्रेट चोरीओं में गाड़ियों की चोरीओं में नंबर वन मगर ब्रैम्पटन इज़ द ओनली प्लेस जहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है मिल्टन में आना तो नहीं आया मिसे सागा में नहीं आया ब्रैम्पटन में हाईएस्ट टॉलेस्ट टू बिल्डिंग्स बन रही हैं ब्रिस्टल प्लेस अगर उसमें आपने अपार्टमेंट लेना तो आपने मुझे कांटेक्ट करना जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी हॉस्पिटल यहाँ पे और बढ़ेगा द ग्रेट प्लेस इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का जब मैं जिक्र करती हूँ तो अगेन आई विल गो बैक टू माई सब्जेक्ट नंबर वन कि पाकिस्तान के लिए ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ ख़ैज़ जैसा की आर यूथ इज़ अ ग्रेट यूथ ऑफ कोर्स पेरेंट्स बाहर निकले और फर्स्ट जनरेशन बाहर निकली सेकंड जनरेशन के बच्चे आज अपने आप को uh, बड़ा सक्सेसफुल पाते हैं इन आर स्टूडियो भी है वह गेस्ट आदिल कतर में पैदा हुए मिया जी कतर में गए हुए थे पांच कंट्रीज़ में आपने अपनी ज़िंदगी इख्तियार की सेवनटी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आपको एक्सपोजर देती है कैनेडा में दो में आते हैं वहाँ पर आइए पाकिस्तान से एम बी ए करनी के बाद वेस्टर्न रिचर्ड आई वी स्कूल से ऑफ बिजनेस से इन्होंने अपना एम बी ए किया और फिर उसने जनाब एग्जैक्टिव रोल्स करते 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 द ग्रेट ब्रैम्पटन नाउ ही इज सर्विंग द ग्रेट ब्रैम्पटन वी वंडरफुल यंग बॉय बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू असल अस्सलाम यंग बॉय वालाकुम अरसा हो गया किसी ने, यंग कहे <laughs> ने बेटे हमारे लिए तो एक बात याद रखना जिंदगी में बिल गेट्स भी बन जाओगे ना तो माँ के लिए वही छोटा आदल ही हो बस वही बात आप अम्मी हमेशा कहती हैं कि हमेशा बेटे तो मेरे रहोगे तुम चाहे जितने बड़े हो जहाँ पर हाथी फिरे गर गां जिसका हाथी उसका ना माँ ने जितने प्यार से पाला यू आर सक्सेसफुल ऑफकोर्स आपकी लाइफ आपकी बीवी इज दिन रोल बट The person who formed your your life is your mother. दर्सन आदिल ने तो कमाल किया, आप ही आदिल, आदिल के बारे तो में बात जो है वो इतना इंस्प्रेशन है और हम तो इतने इससे इंप्रेस हैं तो मैंने सोचा कि भाई हम अपने स्टूडियो में ही बुला लेते हैं आपने तो जनाब इतने बड़े वो सही कहते हैं ना हमारे पंजाबी में फटे चुके हैं कि प्रीमियर साहब आ गए हैं आपको शवाजी देने के लिए तो वो जो आपकी कंपनी है ग्रीन लिड उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए जी बिल्कुल हमने कंपनी स्टार्ट की थी कुछ तीन चार साल पहले और कंपनी के साथ इरादा ये था कि इन्वायरमेंट में जो इतना नुकसान हो रहा है और पोलूशन आ रहा है किस तरह से हम जरा बेहतरी लाएँ अपने इन्वामेंट में यहाँ कैनेडा में और पूरे मुल्क में तो देखने लगे इधर उधर क्या हो रहा है यहाँ पे सबसे बड़े मसाइल कौन से हैं तो इसमें से आ, मैं और मेरा पार्टनर मॉर्गन हमने साथ सब कुछ ईजाद किया और कंपनी शुरू की तो उसमें हमने देखा कि प्लास्टिक्स जो हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स हुँ। और मैं तीन चार साल पहले की बात करूँ अब तो सब लोग बात करें डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स की बैन आ रहा है इस्तेमाल करना कम करो वग़ैरह वग़ैरह लेकिन उस जमाने में हमें अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ इस किस्म का बैन ज़रूर आएगा कुछ कंट्रीज़ हैं मसलन जर्मनी और और बैरून मुल्क हैं जहाँ पे बैंस आने शुरू हो चुके थे hmm. तो हमने कहा कनाडा में भी ये आने आने है hmm. तो शुरू में हमने सोचा कि अच्छा मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं जो प्लास्टिक की इस्तेमाल हो रही हैं मसलन आपके स्ट्रॉज़ हैं, हैं hmm. आ, कटलरी है hmm. टेबल वेयर प्लेटें वग़ैरह ये सब जाती हैं आपकी लैंडफिल में और इसके साथ इन्वामेंट इन जनरल द क्लाइमेट सफ़र्स इसके साथ हम क्या कर सकते हैं फिर हमने देखना शुरू किया कि अच्छा गत्ते के साथ कुछ करें कागज़ के साथ कुछ करें फिर हमने आ, और मुल्कों में जहाँ जहाँ लोग नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करें वहाँ देखना शुरू किया लोगों से बात करनी शुरू की और आखिरकार तो अपना चाइना ज़िंदाबाद सब कुछ पहले वो ऐ कर लेते हैं और कहीं और भी किसी ने ईजाद किया उससे कम दाम में वो बना देते हैं और बेच भी लेते हैं तो चाइना की तरफ हमने देखा और वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं और फैक्ट्रीज़ हैं उनके साथ हमने काम करना शुरू किया और करते करते यहाँ तक पहुँचे कि चाइना से हम सामान ला रहे हैं लेकिन अमेरिका और कैनेडा में कोस्ट टू कोस्ट ऊपर से नीचे तक आम, टेबल वेयर की जो चीज़ें हैं जहाँ पे प्लास्टिक का टेबल वेयर है उसको हम रिप्लेस करके 100 परसेंट कम्पोजेबल हंड्रेड परसेंट बायोग्रेडेबल मटीरियल से वही चीज़ें बना रहे हैं और सिर्फ अपने ब्रांड के नहीं आप मैं नाम तो नहीं ले सकता सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ की लेकिन अगर आप सोच लें कैनेडा में जो सबसे बड़े रिटेलर्स हैं जहाँ से आप अपनी से उनके जो अपने लेबल अपनी ब्रांड की चीज़ें वो असल में हम बना रहे हैं ओ, और उनके उनके ब्रांड के साथ हम बेच रहे हैं नहीं। नहीं। लेकिन इरादा हमेशा ये था कि किसी तरह से हम ऐसी चीज़ ईजाद करें जो हम ख़ुद बना सकें क्योंकि ये है ना कि आप आप किसी और से बनवा रहे हैं कहीं और से ला रहे हैं तो किसी और के ऊपर रिलायंस रहती है तो धीरे धीरे नोट जोड़ जोड़ के लोगों के साथ पार्टनरशिप करके इन्वेस्टमेंट इधर उधर से ले के, हम नौबत ये अब आई है कि हमने अपनी फैक्ट्री डालनी शुरू की है जो डंडा कॉन्टेरियो में बन रही है वहाँ पे हमने तकरीबन 18 एकड़ ज़मीन ख़रीदी है और पहली बिल्डिंग अब बन रही है तो उसमें हम तकरीबन 14.8 मिलियन डॉलर्स लगा रहे हैं शुरुआत से और उसमें गवर्नमेंट भी हमारी मदद कर रही है तो उन्होंने भी uh, पाँच लाख डॉलर हमें दिए हैं ग्रांट फंडिंग और साथ हम लोन फंडिंग वगैरह भी देख रहे हैं इससे फ़ायदा ये होगा कि ये चीज़ें जो हम बैरून मुल्क से ला रहे थे हम यहीं बनाएंगे ऑनटेरियो में एंड टू एंड एंड दैट्स एग्जैक्टली वट द प्रीमियर सेट कि ये जो इन्वेस्टमेंट जो थी आपके ये सारे पैसे बाहर जा रहे थे और अब ये चूंकि आप फैक्ट्री इधर ऑन्टेरियो के अंदर लगा रहे हैं तो इसके दो तीन फायदे होंगे एक तो ये चीज़ें आप अपना रॉ मटीरियल यूज कर सकेंगे तो अपने फार्मर्स और दूसरे लोग से चीज़ें उठाएंगे उनसे तो उनको फायदा होगा फिर आप लोग फैक्ट्री बना रहे हैं तो उसके अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आप कर रहे हैं कि वो एनवायरमेंट के लिए जो इतना बिग है गवर्नमेंट अभी फेडरल भी और प्रोविंशल भी तो उसमें आप एनवायरमेंट में उनको

किस किस इस तरह से उसको दुनिया में लाएं कि दुनिया का इजाफा हो क्योंकि आप जो है ना वो टिपिकल पाकिस्तानी नहीं है वो किसी ने कहा ना किसी पाकिस्तानी को कि यार ये चीज तुम कर सकते हो कहते हैं तो अमरीका ने ये किया उन्होंने कहा नहीं अमरीका ने तो उन्होंने किस तरह करिए उन्होंने कहा अच्छा ये कर लो कहते हैं ये तो चाइना ने किया नहीं किया अच्छा चाइना नहीं अगर सोच सकता तो हम किस से सोच सकते हैं लेकिन आपने ये किया खुद से ये सारी चीजें सोची जी हम हम दोनों ने मिल के तो मेरे पार्टनर मॉर्गिन उसकी तो पी केमिस्ट्री में है तो केमस्ट्री बायोजी में तो वो तो इस किस्म की चीजें ईजाद करता ही रहता है और मेरा बैकग्राउंड बिजनेस में है तो हम लोग देख रहे थे दुनिया में कि कहाँ कहाँ किस चीज़ की जरूरत है और हम ईजाद करते करते हमने एक तरीका ऐसे ईजाद किया जिससे हम गत्ते को वाटर प्रूफ बनाते हैं ओ, और amazing. उसी के अंदर उसको हमने पैटर्न किया हुआ है अब उससे हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं अब आप हम प्लेटों वगैरह की तो बात कर रहे थे एक और चीज़ जो हमने ईजाद की है जो अब हम दुनिया भर में आ, लाने वाले हैं और ला रहे हैं hmm. वो एक तरह से एक मच्छर का ट्रैप है hmm. And that mosquito hmm. आ, चार हफ्ते तक उसकी जिंदगी है hmm. बहुत ही कम कुछ डॉलरों का ट्रैप होता है उससे आपके पूरे घर के नब्बे फ़ीसद मस्कीटोज़ मर जाते हैं अच्छा और हमने सब टेस्टिंग ट्रायल की और हमने इसको इजाद किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्राज़ील में हमने सब ट्रायल्स की हैं पाकिस्तान में हमने जाके मुलाकात की पाकिस्तान में तो असल में हुआ या अब पाकिस्तान की बात छिड़ी थी और हमारी जो फंडिंग आई थी वो भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की 1.4 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली थी इसके डेवलपमेंट के लिए और उसमें उन्होंने उन्होंने कहा था कि आप तीन कंट्रीज चुने जिसमें आप करना चाहते हैं कुछ इन इसके साथ तो हमने कहा ठीक है दुनिया भर में कहाँ कहाँ ज़रूरत है इन चीज़ों की और डेंगी कहाँ है जीका कहाँ है चिकनगुनिया कहाँ है

पाकिस्तान की जरूरत है अगर हम जी रहे हैं ना तो इसीलिए कि आप जैसे बच्चे हैं हमारे। आ, आप यकीन माने मैंने जिंदगी गुजारी पाकिस्तान के बाहर और मैं तकरीबन अठारह साल का था कुछ ग्यारह साल बाद वापस कराची में पहुंचा और सदर के करीब हमारा फ्लैट है तो सद बीच सदर एम्प्रेस मार्केट में खड़ा हुआ और मैंने इधर उधर देखा और जब हर चेहरा अपने चेहरे की तरह लगता है ना तो उसकी जो एक अपनाइत होती है ना वो आप जहाँ भी रहे हैं दुनिया में वो कहीं और मिलती नहीं है yes. अब हम यहाँ बैठ के गालियाँ देते हैं सब सियासतदानों को और पाकिस्तान का ये हाल है वो हाल है लेकिन

प्रोडक्ट uh, है उसको हमने डेवलप किया पचपन कंट्रीज में उसको पैटर्न कर दिया अब हम लॉन्च कर रहे हैं तो जमेका तो अभी से पहुंचा तो हुआ है तो लेकिन आप लॉन्च कनाडा से कर रहे हैं उसको तो उसके प्रोडक्शन जो है हम यहाँ पे बना रहे हैं तो उसी फैक्ट्री में भी ये भी बनेगा okay. और फिर उसके साथ जिस कंट्री में जाना होगा उसके हिसाब से उसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे होगा और फिर लॉन्च होगा तो ये ब्राज़ील बांग्लादेश अमरीका काफ़ी जगह पे लॉन्च हो पाकिस्तान में बहुत ख्वाहिश थी मेरी लॉन्च करने की और मैं वहाँ गया और पहली दफ़ा गया तो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उन सब लोगों से मिला और परसेंटेज मांगी <laughs> कह सकते हैं साफ साफ एक्चुअली आई विल टेल यू मैं आपको सच, सच्ची सच्ची बयान करता हूँ um, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरा था वहाँ पे और मैं पीटीआई की गवर्नमेंट से मिला पीपीपी की गवर्नमेंट से मिला और पी की गवर्नमेंट जो लाहौर में उस वक्त थी उनसे मिला सबसे पहले तो पी की के गवर्नमेंट से हम ये मतलब बात करने गए कि आप हमारे साथ ये लॉन्च करें और बात ये थी कि फंडिंग तो हमें मिल रही थी कैनेडा से तो हमारे तो मामूली सा ये आस्क था कि आप अपने लोग लगाएं इस रिसर्च में यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट हम दिखा सकें कि यहाँ काम करता या। है या। उनकी सब सैलरी हम देंगे कि ग्रांट फंडिंग तो मिली हुई थी तीन कंट्रीज के लिए हम गए इतफाक़न उसी वक्त पैनमा पेपर्स रिलीज हुए थे तो लग रहा था कि वहाँ पे लोगों को बहुत शौक था कि सफाई दिखाएं तो जिस जिस सफाई से काम हो रहा था लाहौर में मैंने कहीं और नहीं देखा mm -hmm. और पंजाब प्रोविंस में 20 साल से वो लोग डेंगे की जो ट्रैकिंग कर रहे हैं mm -hmm. और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जो स्ट्रेंथ है डेटा की आपने mm -hmm. कहा जिस किस्म का डेटा था उनके पास कहीं और नहीं Amazing. बहुत आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड वेरी इम्प्रेस विद दैट जस्ट दैट पीस ऑफ द गवर्नेंस कराची गया उनसे मिलने गया hmm. और वो उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा लूँगा लेकिन वहाँ बैठे हुए थे वो और उनका जो मैंने पूछा उनसे कि अच्छा यहाँ आपकी जब डेंगे आउटब्रेक hmm. होते हैं आप लोग क्या करते हैं hmm. तो कह लेंगे बेटा मैंने एक बड़ी नुमा चीज ईजाद की है hmm. हम ऐसा करते हैं कि हम बस वो फ्यूमिगेशन करते हैं तो मैंने कहा कि अच्छा है मतलब यहाँ पे तो छोटी छुड़ छोटी खोलियाँ होती हैं छोटे छोटे घर होते हैं वहाँ कैसे करते हैं तो कहें हम बस मोटरसाइकिल पे ब्लोअर्स लगा देते हैं और चला देते हैं तो मैंने कहा अच्छा वहाँ तो बच्चे बच्चे सो रहे होंगे उनके उनके हेल्थ पर क्या नुकसान हो आप कैसे कहते हैं हम एक दिन पहले फेसबुक पर डाल देते हैं यहाँ तक उनका था सिंध में ये हो रहा था और सिंध के गांव गांव में कितने और, में कोई शक और हम लोग तो कराची के हैं तो मुझे तो बहुत मायूसी हुई पंजाब में हमारे मामू रहते थे लाहौर में लेकिन वरना हमारा से है तो इतनी मुझे डिप्रेशन हुई और फिर आप जो बात कर रही है पैसे मांगने की तो जब जब मैं इन मीटिंग्स में जाता था मेरे साथ वहाँ पर कैनेडियन एम्बेसी की कोई रिप्रेजेंटेटिव होती थी ट्रेड कमिश्नर वगैरह के जो साथ जाते थे तो वहाँ लाहौर में तो कोई मसला नहीं था सब साफ साफ काम हो रहा था इट वाज ऑल अबव बोर्ड क्योंकि पैनमा पेपर्स अभी निकले थे तो किसी ने कोई बात नहीं यहाँ हम पहुँचे सिंध में सिंध सिंद में, सिंद में कराची में और वहाँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेड थे

जी, खातून स्मैट जी फैल्ट एग्जैक्टली फौरन अंदाजा हो गया कराची में कि यहाँ हम ये नहीं कर सकते कुछ गड़बड़ होने वाला है एंड वी कॉन्ट बी ए पार्ट ऑफ दिस क्योंकि फंडिंग गवर्नमेंट की थी ना mm -hmm. तो वी केम अवे फ्रॉम वापस आया बातचीत चल रही है ठीक ठाक चल रही है पंजाब के साथ वहाँ mm -hmm. हमने ट्रायल्स भी शुरू किए mm -hmm. भेजे हमने ट्रैप्स और कुछ महीनों बाद कुर्सी पलट गई mm -hmm. उलट गई और इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई अब इत्तेफाक से पी टी आई की गवर्नमेंट में काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग आ गए ऊपर के तबके में उनमें से एक जो थे वो आम, हमारे जान पहचान के थे जहाँ अप, अपने जतीी जान पहचानी हमारे आम, एक अम्मी अच्छा। के दोस्त नहीं अम्मी अबू के दोस्त हैं इकबाल वाला जो शायद आपके साथ कुछ काम वाम भी करते हैं तो अंकल इकबाल के एक जानने वाले थे दुबई से वो वहाँ पे मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने उनका मुझे इंट्रोडक्शन दिया तो मैं जाके उनसे मिला तो जो जज्बा था ना उस गवर्नमेंट में वो कहीं और मैंने नहीं पाया क्योंकि फ़र्क ये लगा मुझे और मैं तो बाहर से आ रहा हूं मेरा तो कोई किसी के साथ लॉयल्टी वगैरह तो है ही नहीं और मैं तो देख रहा हूँ कि सिंध में तो बहुत ही गड़बड़ हाल है और पंजाब में बहुत ऑर्गेनाइज है लेकिन वहां पे जो आवभगत थी पंजाब में मैंने कभी जिंदगी में कहीं नहीं देखी कि वो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं यहाँ पे मिनिस्टर साहब हमारे खेत में आके हमसे हाथ में ला गए प्रीमियर साहब वहाँ पे तो मतलब दूसरे दर्जे का कोई मिनिस्टर आ रहा हो तो सब काम रुक जाता है वो एक घंटा लेट पहुंचते हैं और सब रुके हुए हैं और सब उनकी आवभगत कर रहे हैं और पढ़े लिखे डॉक्टर्स पढ़े लिखे साइंसदान ऐसी आवभगत कर रहे हैं कि मैंने कभी जिंदगी में सो सैड कि आपने क्या किया है जो पीटीआई की गवर्नमेंट में अब गए तो फिर क्या हुआ की गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में द डिफरेंस आई फाउंड वाज कि ये सब ऊंच नीच इतनी नहीं थी लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कम थी क्योंकि दे वर ऑल न्यू नंबर वन दे वर ऑल न्यू एंड दे डिड नॉट हैव पुल्स ऑन द ब्यूरोक्रेट्स जो पोजीशंस थी दोस पोजीशंस वर फिल्ड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट्स ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड एग्जैक्टली सो नोबडी द

और सुल्तान डॉक्टर सुल्तान सुल्तानी उनका नाम था डॉक्टर मिर्जा, मिर्जा, मिर्जा जफर मिर्जा अच्छा जफर मिर्जा डॉक्टर जफर मिर्जा आए थे वो स्विट्जरलैंड से आए थे और वो पहले डब्ल्यू एच ओ के डायरेक्टर रह चुके हैं और वो आके पाकिस्तान में हेल्थ को लीड कर रहे थे वेरी इंटेलिजेंट वेरी केपेबल अंडरस्टूड एवरी थिंग डॉक्टर थे मेडिकल डॉक्टर और बस वो पोलिटिकल नहीं थे तो मैं गया उनके साथ में पूरी प्लानिंग की उनके साथ हमने लाहौर में बाकायदा डेंगे पे वहाँ पे सिम्पोजियम था हमने प्रेजेंट भी किया उसमें हमने टेंट किया श्रीलंका से लोग आए थे मुख्तलिफ मख्त जगह से लोग आए थे और डॉक्टर मिर्ज़ा ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था वापस कैनेडा पहुँचा डॉक्टर मिर्ज़ा चले गए और फिर ऐसी कोई फिर कुछ कुछ अच्छे कोई था नहीं फिर कोई और आ गया People or political ने कहा बॉन इन कतर लव फॉर पाकिस्तान आपने इमेजन किया यस yes, लाहौर को बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर नून yeah. लीग ने दिया uh, कराची में uh, सदा से पीपल्स पार्टी की गवमेंट है बारिशों में आप लोगों ने हाल देख लिया और बच्चा खुद बता रहा है कि हमारे साथ उन्होंने कहा जी इनको जी कनेडियन गवर्नमेंट इतनी फंडिंग दी हुई है ज़रा इनसे मिलना है और कनेडियन अम्बेसी की खातून थी उन्होंने कहा हमारी दाल यहाँ गलने की नील्स को दे डिड नॉट मीट दे केम टू फिर गवर्नमेंट चेंज होती है और पीटीआई की गवर्नमेंट दे दे, 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 दे दे वांटेड वांटेड टू डिलीवर डिलीवर अ लॉट माने माने ना टू डिलीवर अ लॉट बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट द मशीनरी वाज नॉट वर्किंग दे उन्होंने उनको क्रिपल किया हुआ था दैट इज़ वट आई

सफाई और जल्दी से जो काम हुआ है हमारे मिस्कीटो ट्रैप के बिजनेस का वो हुआ है बांग्लादेश में ओ, सबसे सब इतनी तो जो द सक्सेसफुल कंट्री एट मोमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पे खातून बैठी हुई हैं जो ऐसे क, ऐसे चला रही हैं बांग्लादेश बिल्कुल हसी, है। और शेख हसीना के कोई जानने वाले ने उनके कान में डाल दी बात फिर उन्होंने फोन किया सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्क्वायर फार्मास्यूटिकल्स के साथ हमारी पार्टनरशिप हो गई और अब हम उनके साथ बात कर रहे हैं वहाँ लॉन्च हो रहा है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आ गया सब कुछ पहले पहले हो गया और उनकी जो ट्रायल्स नहीं। नहीं हमारे नहीं की वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अमरीका वगैरह को दिखाने सैयद आदिल कवी सैयद आदिल कवी सैयद आदिल कवी आपकी कंपनी है ग्रीन लिड के नाम से है मैंने आपके वो एक मेरा ख्याल है वो आप ही की कंपनी है। आई बॉट दो ये जो ये नहीं होते uh, बेकिंग पैंस होते हैं वो वो प्लास्टिक के नहीं हैं वो नहीं, एक वो एक स्पेशल वुड का you know, you know, है सो इट्स अ कॉम्बिनेशन दो तीन चीज़ें मैंने इसमें से लर्न की हैं कि आर यूथ इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड अलहमदुल्ला वी मस्ट टेक द प्राइड we must take the pride, I mean it. We must take the pride. प्राइड uh, मगर आदिल सैद आदिल ने भी जब काम शुरू किया तो इन्होंने मार्केटिंग, बिकॉज इट इट इज एम बी ए आई वी स्कूल से इन्होंने एम बी ए किया है वेयर एज एज पार्टनर मॉर्गिन उन्होंने केमिस्ट्री में किया हुआ है तो फॉर्मूला ले कर आना या वो ले के आना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मार्केट मार्केटिंग अराउंड द वर्ल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी

डाक को डेवलप करने में अब डंडाक में जॉब्स को लेके आने में ग्रीन लिट विल प्ले इट्स रोल भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं no, आदिल it's it's से, आदिल से इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू में जब ग्रीन लिट का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो अप्रोक्सीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी देंगे आप तो इसमें भी दो बातें पहली बात तो ये है कि हम चाइना से रोक के यहाँ बनाएंगे

तो वहाँ जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो लोग उन लोगों की भी मतलब आमदनी आएगी yeah, इसमें से yeah. उसके बाद फिर हम जो एक्सपोर्ट वहाँ से करेंगे क्योंकि सिर्फ कैनेडा के लिए हम नहीं बना रहे हैं हमारे जो चीज़ें बनाएंगे पूरे अमेरिका में भी एक्सपोर्ट होगी Mm -hmm. तो उसकी पूरी लॉजिस्टिकल लाइंस जो ट्रकर्स हैं वगैरह वगैरह वो सब कनाडा से जाएंगे mm -hmm. तो पहले ये था कि हम चाइना से सीधे अमेरिका लाने वाले थे सब प्रोडक्ट्स अमेरिका के लिए mm -hmm. अब वो कनाडा में बनेगा और कनाडा से अमेरिका जाएगा सो इट्स अ जॉब अपॉर्चुनिटी अलोंग विद द नेटवर्क ऑफ आवर

आई वॉज़ हेड ऑफ़ मार्केटिंग फॉर सीयर्स कैनेडा ज़माने की बात है जब सीयर्स था यहाँ पे सो द प्राइस आई पेड वॉज आई salary रिडक्शन ऑफ seventy percent। सत्तर फीसद मेरी सैलरी कम हुई उस नौकरी को छोड़ के उस तरह की नौकरी को छोड़ के ये शुरू करने के लिए hmm -hmm. क्यों किया मैंने ये अम्मी अबू दोनों डॉक्टर हैं बाजी hmm. भी डॉक्टर हैं तो बचपन से हमारे घर में घर आने में ये खदमत खलक और लोगों की मदद करने का एक था I know, I know. मैंने क्या किया एम बी ए किया hmm. पहले तो जनरल मिल्स गया मीठी मीठी चीज़ें बच्चों को खिला रहा हूँ मोटा <laughs> कर रहा हूँ उसके बाद सीयर्स गया अननेसेसरी चीजें बेच रहा हूँ बुजुर्ग लोगों के पास वैसे ही कम पैसा है उनको हम कपड़े पहनाने बिलावे के तो जब वो नौकरी छोड़ी तो मैंने कुछ अरसा अर्सा अब्बू के साथ गुजारा अठारह साल की उम्र से घर पर नहीं रहा था इसलिए अमी के वक्त गुजारा बाजी साथ मैं सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी साथ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अम्मी अबू ने ज़िंदगी भर लोगों की मदद की है उन्होंने दोहा में पाकिस्तानी स्कूल खोला शुरू किया मेरे अबू ने पाकिस्तान एजुकेशन सेंटर और अम्मी ने हमेशा ज़िंदगी भर हर जब हज होता था सऊदी अरब दोनों जाते थे वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए बाजी यहाँ पे ऑनकोलॉजिस्ट हैं कैंसर डॉक्टर हैं और मैंने क्या किया किस एरिया में पील में आ, नहीं वो हैं सेंट हैथ में सेंट कैथरीन जी पहले वो थी साउंड में फिर प्रिंसेस मार्गरेट अब सेंट में तो अम्मी अबूबाजी ने ये सब किया और मैं मामा बाबा भी यही है अमी अबू लंदन में लंदन, लंदन। होते यहाँ पे थे आ, थे यहाँ पे पिछले दो साल कोविड लंदन दौर। दौर। लंदन जी इंग्लैंड में रिटायर्ड हैं अब वरना तो दोहा में थे उससे पहले कराची में दोनों पाकिस्तान में दोनों ने मेडिकल और दोहा स्कूल जो था वो मामा बाबा ने शुरू किया था पाकिस्तानी पाकिस्तान एजुकेशन सेंटर जो अब डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी है अबू ने मुर्गी खाने में शुरू किया था क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तानी मजदूर थे उस जमाने में 60's, 70's में उनके बच्चों कहीं पढ़ने की जगह नहीं थी लेकिन well, I mean, sure. um, तो मतलब घर में मतलब इस तरह का माहौल था माहौल था और मतलब आगे भी जैसे हमारे खालू थे वो बहुत अरसे तक बी बी सी पे सैरबीन पढ़ते थे हमारे मामू जो थे ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के वो एडिटर थे और हेड थे असमा जहांगीर के साथ उससे पहले उन्होंने फ्रंटियर पोस्ट शुरू किया था और पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ थे तो इसम इस का घर था हमारा कि मतलब इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल और फिर मैं यहाँ पर यह सब कराऊँ तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जिसमें किसी की किसी की या दुनिया की या लोगों की कुछ मदद हो तो फिर मेरी मुलाकात हुई मॉर्गन से और वो आपका टिपिकल साइंस है साइंसदान है जो मतलब आम, बड़े बड़े बाल हैं और <laughs> <laughs> कुछ मतलब क्रिएटिव कुछ नहीं क्रिएटिव साइंटिस्ट और मतलब जो होते हैं सनकी से थोड़े साइंटिस्ट बिल्कुल वैसा है आइंस्टाइन टाइप बिल्कुल आइंस्टाइन बाल भी आइंस्टाइन की तरह हैं और उसका बस लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट बहुत बड़ी जीनीस डिवोटेड बिल्कुल डिवोटेड एब्सोल्यूट जीनियस नेपसुलस हमारी बहुत अच्छी बनी तो दोस्ती हो गई फिर साथ साथ उसने कहा मैंने ये चीज़ सोची है मैं ये भी सोच रहा हूँ और वो भी सोच रहा हूँ और फलां भी सोच रहा हूँ और हज़ारों चीज़ें सोच रहा था मैंने कहा ठहरो दो तीन चीज़ों की बात करते हैं साथ मिल जिससे कुछ फ़ायदा हो किसी को अब ह्यूमन हेल्थ में फ़ायदा हो ये मस्कीटो ट्रैप्स के ज़रिए या इन्वायरमेंटल um, फ़ायदा हो ये ये प्लास्टिक सिंगल यूज़ कंपोजबल चीज़ें बना के तो जैसे मसलन हम अभी ये ऐसी और, नहीं होते हैं।, दे गो लैंड और में होते हैं जिसके अंदर आप मतलब ऐसी डाल सकते हैं जो जो कॉम्पोस्ट हों तो हम उस किस्म की चीजों का भी सोचें अच्छा ऐसा कुछ बनाए मटेरियल या कोई चीज के हम उन चीजों की कम्पोस्ट तो इस तरह से हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं और यहाँ पे एक और चीज़ भी आज शाजी जी आपने खबर पड़ी होगी वो रशिया ने वो ऑयल uh, सप्लाई रोक दी ना ठीक yes, है from, yeah. uh, आज रोक दी तो इट्स अ फ्यूचर प्रेपरेशन एज़ वेल कि चाइना में बेशतर इसके कि हर चीज़ की सप्लाई रोक जाए <laughs> और आप स्क्योर <square> वन <laughs> पे खड़े हों तो बट आई लुक एट दिस टेस्ला के अलान मस्क ने ये कहा कि ही हैज़ इन चाइना और कोविड के दिनों में उसने कहा कि पीपल आर सो हार्ड वर्किंग इन चाइना दे कन्फाइंड दम सेल्फ इन टू द फैक्ट्री चौबीस चौबीस घंटे उन्होंने काम किया वहीं पर वो उस बैग में सोते थे काम करते थे वेर एज थिंग्स वर नॉट वर्किंग फॉर हिम एज एफिशिएंटली एज इन चाइना हियर इन इन अमेरिका फिर कॉस्ट भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है तो वट यू थिंक कि इन प्रोडक्ट्स को आप यहाँ यस yes, इट्स अ ब्लेसिंग के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी फार्मर्स का बेनिफिट होगा गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा फ्यूचर की प्लानिंग बेहतर होगी बट कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होगी तो आ, आपने बहुत आ, आ, आला बात की क्योंकि आखिरकार हमें कम्पीट भी करना है और लोगों से जो चाइना से ला सकते हैं तो सबसे ज़रूरी बात है एफिशिएंसी 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 इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि कहीं और से मशीनें ला के डाल रहे हैं हम सब कुछ ग्राउंड अप बना रहे हैं कि, कि शुरू से हमारी मशीनें जो बनेंगी एफिशिएंट चलें और फिर सबसे बड़े दो फायदे ये हैं कि एक हम जो इस किस्म के सामान को जो लाने में ख़र्च होता है यहाँ पे चाइना से आप सोच सकती हैं अब कोई आप ईंटें ला रही हों या कोई बहुत ही महंगी चीज़ आप ला रही हों तो उसमें फिर भी आप जस्टिफाई कर सकती हैं कि एक कंटेनर आ रहा है आपका चाइना से उसमें बीस हज़ार डॉलर खर्च हो गए लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो लो वैल्यू की चीज़ें और ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं इतना ख़र्च होता है चाइना से लाने में कि उसी में जो बचत होगी आपकी उससे आप लोग हायर कर सकते हैं एंड देन दैट्स वेद द कॉस्ट बैलेंस कम्स इन और sure. ख़ास करके आजकल कर, जब फ्यूल की प्राइसेस इतनी बढ़ी हुई हैं mm. मैं आपको मैं आपको अंदाज़ा देता हूं कि ढाई साल पहले जो कंटेनर हम लोग यहां ला रहे थे सात हज़ार डॉलर में छः महीने पहले पच्चीस हजार डॉलर में हम वही कंटेनर ला रहे हैं इस क्योंकि ये सब हो रहा है कोरोना वायरस चल रहा है रशिया का हो रहा है और ये सब खत्म वो रस्ते है। में ब्लॉक होना जो टाइम लगना वो है, बिल्कुल पोर्ट्स बंद हुए हैं और फिर कोरोना के वायरस की वजह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं तो और चीजें आ रही हैं और ये सब अब बदलना नहीं है ये सब hmm. लोग जो कहते हैं ना कि hmm. अब इन्फ्लेशन आ गई है yeah, yeah. उसके बाद अगले साल तक सब कम हो जाए hmm. कम नहीं होना है आपकी hmm. इन्फ्लेशन कम हो जाएगी लेकिन तो तो okay. so, okay. uh, आदिल सैयद आदिल मेरे साथ हैं और ग्रीन विजिट योर फैक्ट्री कोर्स अभी तो फैक्ट्री के मतलब अभी तो ढांचा है, है लेकिन no, we can, और के इलाके में और uh, इस इलाके में और Ontario हमारे जो प्रीमियर है वो भी वहाँ पे पहुंचे हैं डंडाक uh, के लोगों के लिए बड़ी कमाल की चीज है कि गुड अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी देयर और इवन uh, बाहर के लोग भी वहाँ से जा सकेंगे जब फोर वन थ्री बन जाएगी मैं तो फ्यूचर को देख रही हूँ सो वी लुक फॉरवर्ड बनी नहीं बट ऑफ कोर्स शाजिया और टीम वी डेफिनेटली वांट टू गिव अ टूर टू आर पीपल वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैं वाकई गलत नहीं कहती आई एम प्राउड ऑफ पर्सन लाइक यू एंड पीपल लाइक यूर सेल्फ मैं आप तमाम से कहती हूँ हमारी पहली जनरेशन है मैंने भी बड़ी प्राइस पे की है मगर अल्लाह करे कि हमारी जो सेकंड जनरेशंस हैं वो अपने आप को इस काबिल कर दें कि इस सिस्टम में मेल्ट डाउन वैल्यूज़ के लिहाज से ना हो मगर दूसरों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिहाज से नंबर वन ज़रूर हो जाए आमीन सुमाम

फेस बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं गारंटी शाजिया से भी सवाल करते होंगे पाकिस्तान से आप अच्छा आप <laughs> पढ़ने देते हैं आपको ऐसा डाक हमारे कॉलेज देखो यूनिवर्सिटियाँ सारे लड़कियों से भरे हुए हैं लड़के कम हैं लड़कियाँ ज्यादा हैं ठीक yeah. मलाला यूसुफ जई ने जो कॉन्सेप्ट हमारा एक डेवलप कर दिया है बहुत से लोग जब जिक्र करते हैं तो टेररिस्ट का कर जिक्र करते हैं पाकिस्तान के पीपल उनको हाईलाइट करना शायद खान जो है आ, yeah. दुनिया का रिचेस्ट आदमी जो और खुदा करे कि वो तमाम लोग जो अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज में खपा रहे हैं ना बी अ रोल मॉडल बी अ रोल मॉडल लाइक आदर्स मदर एंड फादर एंड अ सिस्टर सो देट नहीं आदल नहीं, आदल नहीं। आदिल की ग्रूमिंग जो की ना hmm. माँ बाप yeah. और बहन इसका रोल मॉडल बिल्कुल सही mm -hmm. सही बात की आपने ठीक है yeah. अब ये अपने बच्चों का रोल मॉडल है hmm. मगर मैं ये कहती हूं कि मेरे जैसे लोग मियाँ बीवी के झगड़ों में से निकलो सियासत में से निकलो बी अ रोल मॉडल फॉर एंड आई विश आई कैन बी अ रोल मॉडल सो दैट आई कैन मेक माय सन के बच्चा लुक एट कैन डू यू कैन डू आई लव यू बेटा थैंक यू वेरी मच यूर माई प्राइड्रीज प्राइड औरबाद बहुत खूबसूरत कंट्री है कैनेडा हमारी मस्जिदों को मंदिरों को हर जगह को इज्जत दी हमारे नौजवान जो अपने आप को बेहतर तौर पे प्रूव करते हैं उनको फंडिंग दी उनको पढ़ने फल ने फूल ने पनपने का मौका दिया ताकि वो और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें थैंक यू वेरी मच थैंक्स टू शाजिया